के रहने वाले हैं और इन्होंने एशियन गेम्स 2023 में रजत और कांस्य पदक प्राप्त किया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें लक्ष्मण अवार्ड के साथ ही खेल कोटे के अंतर्गत जिला युवा कल्याण अधिकारी देवरिया के पद पर इन्हें तैनात भी किया है। श्री कुदरत अली ये लखनऊ के निवासी हैं, वर्ष 2005 में लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय रोइंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक और रजत पदक प्राप्त किए हैं। 2024 में ब्रिक्स गेम्स में एक भारतीय टीम के प्रशिक्षक के रूप में इन्होंने अपनी सहभागिता की है। श्री अरविंद सिंह ये बुलंदशहर के निवासी हैं, एशियन गेम्स 2023 में रजत पदक प्राप्त किए हैं और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। मोहम्मद आजाद ये सुल्तानपुर के निवासी हैं, एशियन गेम्स 2014 में कांस्य पदक प्राप्त किए हैं और 2023 में चाइना में आयोजित पैरा एशियन गेम्स में भारतीय टीम के प्रशिक्षक रहे हैं। श्री लोकेश कुमार ये हापुड़ के निवासी हैं, एशियन गेम्स 2010 में रजत पदक प्राप्त किए और वर्ष 2019 में रोइंग एशियन गेम्स भारतीय टीम के प्रशिक्षक रहे हैं। श्री राजेश कुमार ये संत कबीर नगर के निवासी हैं, एशियन गेम्स 2010 में दो रजत पदक प्राप्त किए, 2023 में एशियन गेम्स एवं वर्ल्ड कप तथा 2022 में एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप में ये भारतीय टीम के प्रशिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं। यानी उत्तर प्रदेश में इस खेल के लिए अनेक संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं से अपने आप को तराश करके इन खिलाड़ियों ने ओलंपिक में प्रतिभाग किया, एशियन गेम्स में इन्होंने मेडल प्राप्त किए, विश्व चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त किए और आज न केवल उन खेलों में प्रतिभाग कर रहे हैं बल्कि प्रशिक्षक के रूप में भी अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने का कार्य कर रहे हैं। यहां पर अभी जो बात उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय विधायक रानी पक्षालिका सिंह जी ने जो बात कही है और यहां पर रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्रीमती राजलक्ष्मी सिंह देव जी ने भी जो बात कही है, वाटर स्पोर्ट्स का एक कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने यहाँ गोरखपुर में इसी ताल के किनारे बनाया है और रोइंग फेडरेशन के लिए भी हम लोग इसमें स्पेस उपलब्ध करवाएंगे और मुझे लगता है कि ये लोग अपनी तैयारी करें, उत्तर प्रदेश और गोरखपुर में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की गतिविधि को आगे बढ़ा